नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस जय यादव ब्लॉग्स। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्वाडा फोर्ट। फोर्ट और दोस्तों ये जो फोर्ट है ये बहुत सारी मूवियों में आप लोगों ने देखा होगा। और इस फोर्ट की खूबसूरती इस जो इसके पीछे जो समुद्र है उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं कैलिंगुट से। तो मिलते हैं स्कूटी पे। तो वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे और टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। एग्वाडा फोर्ट जाने का जो रास्ता है वो अपने आप में एक ट्रीट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है ये और बहुत 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 मज़े आने वाले हैं इस रास्ते पे अपने को। दोस्तों बहुत बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों किया। तो गाइस मैं एक परमानेंट ट्रैवलर हूँ, ट्रैवल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं अपने जॉब की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो मेरे थ्रू मेरे कैमरे के थ्रू वो लोग घूम सकें एंजॉय कर सकें। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि आप लोग जब भी इधर कहीं घूमने आए तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो। चले गए अभी लेते हैं एक हॉल्ट और उसके बाद शुरू करते हैं आगे। तो भाई लोगों ये स्कूटियाँ हैं जो हमने रेंट की है और एक स्कूटी का रेंट जो हमें पड़ा है वो है 450 क्योंकि वीकेंड था और ये यहाँ का पीक सीज़न है इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा पड़े हैं। अदरवाइज आपको आराम से 300 350 रुपये में ये अवेलेबल हो जाएंगे। सर उन्होंने आ जाओ बैक टू द ट्रैक मैन। यहाँ पे ये लोग फिशिंग करते हैं और ये इनके नेट वगैरह हैं। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है भाई। तो गाइस जब भी आप लोगों को टाइम मिले इस तरह से किसी ट्रिप पे निकल जाइए और अपने आप से और नेचर से कनेक्ट होइए क्योंकि जिंदगी सब जीते हैं। जिंदगी वो नहीं होती जो हम हर रोज एक नया दिन उगते हुए देखते हैं, शाम को सूर्य को ढलते हुए देखते हैं। ज़िंदगी वो होती है जब आप खुद को पहचानते हैं, आप खुद जीना चाहते हैं। तो यही गुजारिश है मेरी कि काम जो बिजनेस लाइफ टाइम यूं ही चलता रहेगा, अपने आप को एक ब्रेक दें और किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन पे ट्रिप पे निकल जाएं। और क्या खूबसूरत जगह है ये, इस जगह का अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। गाइस ऑलमोस्ट हम लोग एग्वाडा फोर्ट पहुंचने वाले हैं। अगर आपको गोवा आके रियल में फ़न करना है मज़े करने हैं तो आप वीकेंड पे आने से थोड़ा सा बचें और अगर आप लोगों को क्राउड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आ सकते हैं। चलिए गाइस फाइनली करते हैं स्कूटी पार्क। तो चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सामने आप देख रहे होंगे ये है फोर्ट एग्वाडा। Thank you.
अभी एग्वाडा फोर्ट हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्वेरियम बीच की तरफ। तो गाइज अभी हम बात करते हैं यहाँ के एक्सपीरियंस की। तो मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो सनस्क्रीन जरूर लगा के आना, क्योंकि सनबर्न और टैनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पे आपके शरीर से पानी बहुत जल्दी कम होता है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं सिक्वेरियम बीच। चलने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ की सेंट्रल जेल और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो रोड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वन ऑफ द माय फेवरेट रोड्स इन गोया। अभी हम लोग हैं गोवा की सेंट्रल जेल के सामने और ये पीछे जेल है, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी नो एंट्री है, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। नीचे चलते हैं और वहाँ कुछ शॉर्ट्स लेते हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंट्रल जेल के पास में और उसके नीचे की साइड में ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं फोटोज़ वगैरह शूट करने के लिए। और ये फ़ोटोज़ आई हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइज अभी हम लोग सेंट्रल जेल से निकल चुके हैं, नहीं नहीं बंद नहीं थे, घूमने आए थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्वेरियम बीच की तरफ, जो कि है यहाँ से अप्रोक्स 5 या 6 किलोमीटर। तो बाकी के रास्ते सेम हैं, दिखाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो चलिए गाइज अभी मिलते हैं सिक्वेरियम। अभी पहुँच चुके हम सिक्वेरियम बीच और बहुत ही अच्छा बीच है ये भी। सिक्वेरियम बीच का ऊपर का जो फोर्ट टाइप है ये, और शायद ये भी एग्वाडा फोर्ट का ही एक हिस्सा है। अग्वाडा फोर्ट का ही एक हिस्सा है ये, और यहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं और पीछे ओशन है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। दादा ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल दादा, बहुत शीतल हवा। चढ़ेगा ना बड़ी?
तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल, और काफ़ी थक भी गए और टाइम हुआ है 2:30। चेहरे से साफ हो रहा तो थके हुए। दोस्तों मैं बार बार यही चाह रहा हूँ कि व्लॉग छोटे बनाऊँ, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा रखूँ। इवन मुझे लगता है कि इस व्लॉग में कंटेंट अच्छा होगा, और बाकी तो आप लोग बताएंगे। तो गोवा में इतने, जैसे अब ये घर देख रहे हैं, तो नॉर्मली अब मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे ऐसे घर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये गोवा जो है वो पुर्तगालियों का बसाया हुआ शहर है, और जो यहाँ पे घरों में जो कलर करते हैं वो भी थोड़े से चटक रंग के होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, और जितना ज़्यादा मैं इस कैमरे के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ उतनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ। तो अगर व्लॉग थोड़े बहुत लंबे बन रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी सब बढ़िया है। गाइस अभी हम ऑलमोस्ट गोवा के रूरल एरियाज में आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच। तो गाइस गिरता या ये देखो, कलर देखो। गोवा में आप लोग जिस भी साइड में जाएंगे वहाँ पे मार्केट में आप लोगों को पब, बार और वाइन शॉप बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और गाइज एक इन्फॉर्मेशन और, पेट्रोल आप लोगों को जहाँ भी पेट्रोल पंप मिले वहाँ से फिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं है। हमने जो पेट्रोल फिल करवाया था वो हमने करवाया था कैलिंगूट से, और उसके बाद मैंने इतना गया हूँ, इतना मैंने ट्रिप किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पेट्रोल पंप अभी तक नहीं देखे हैं। ये शानदार नज़ारा एंजॉय कीजिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच से हम लोग निकल के जा रहे हैं, और ये एक और ग्रुप, ये आम के पेड़ हैं ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। गोवा में मुझे जितने बीचेस पसंद हैं उतने ही यहाँ के रास्ते, बहुत ही ज़्यादा रास्ते पसंद है मुझे। अच्छा लगता है इन रास्तों पे अपने टू व्हीलर चलाना, क्योंकि जो यहाँ की ये फ्रेश हवा है ये जब आपको शरीर पे फील होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ से शुरू होता है अंजुना बीच की पार्किंग वगैरह, तो वाटर स्पोर्ट यहाँ पे भी होते हैं। तो गाइज स्कूटी को यहीं कहीं खड़ा कर देते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंजुना बीच पे, और ये यहाँ पे रॉक्स है पीछे, और वो पीछे बीच साइड डिस्क वगैरह जो होते हैं, और सनसेट के बिल्कुल टाइम पे हम लोग पहुँचे। तो बहुत जल्दी करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छे से सनसेट का टाइमलेप्स ले पाए हम लोग। थोड़ा बहुत हाइपरलेप्स हमने लिया है तो वो अभी मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों ये जो बीच है ये अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पहले इस बीच में बहुत ही कम लोग आते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी चहल पहल यहाँ पे होती है, तो अच्छा है। और रॉक बीच है, तो अगर आप सनसेट एंजॉय करना चाहते हो तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे। गाइज इस ट्रिप पे मेरे साथ में है हरीश, सुदर्शन, केसी, अशोक,